हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है क्या उनका प्यार सच्चा है या सिर्फ दिखावा। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, क्या वो आपसे एक जेन्युइन ट्रू लव करते हैं या करती हैं, या सिर्फ एक ये शो ऑफ है और प्रिटेंड कर रहे हैं। तो ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट करे या एक्यूरेटली भी कर सकता है। तो आपको ओपन माइंडेड होकर सुनना है और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन नहीं करना है। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट, ओके। क्योंकि ये रीडिंग सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। तो देखते हैं क्या वह आपसे सच्चा प्यार करते हैं या सिर्फ दिखावा, ओके। क्या उनका प्यार सच्चा है या सिर्फ दिखावा। सो वी हैव द कार्ड ऑफ अफर्मेशन एंड देन वी हैव दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, नाइस कार्ड। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड, इंटरेस्टिंग, अच्छे कार्ड्स हैं। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स। लेट्स टेक मोर। ओके, वी नीड वन कार्ड एट वन टाइम। एक समय पर एक ही कार्ड चाहिए। एंड हियर वी हैव दिस फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए इनको अरेंज करते हैं सबसे पहले। सो वी हैव फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स हियर, किंग एंड क्वीन। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, सो इट्स वेरी पॉजिटिव। चलिए, आई होप विजिबल हैं कार्ड्स आपको। सबसे पहले जो चीज़ यहाँ विजिबल है, जो दिख रही है, वो ये है कि क्या उनका प्यार सच्चा है या सिर्फ दिखावा। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, सच्चा है या दिखावा है वो तो हम आगे देखेंगे अभी, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि ये जो इंसान है, ये बहुत इंटेलिजेंट इंसान है और बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। वो फीमेल है, मेल है, कोई भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जिस नज़रिए से जीवन को देखते हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव है। और ये इंसान भी ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक इंटेलिजेंट स्मार्ट पर्सन है। जो भी करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, बहुत स्मार्टली, बहुत इंटेलिजेंटली। तो ये ऐसे इंसान नहीं है एक्चुअल में जो ज़्यादा इमोशनल या सेंसिटिव हो जाएँ, ज़्यादा भावनाओं में बह जाएँ, ज़्यादा भावुक हो जाएँ, ऐसे इंसान नहीं है, नो। यह मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड देखकर साफ लगता है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो है, एक कपल वाली एनर्जी, एक कपल वाली वाइब यहाँ पर ऑलरेडी है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस इंसान का प्यार जो है वो है आपसे, लेकिन इनका जो तरीका है प्यार को एक्सप्रेस करने का या कहीं ना कहीं प्यार को दर्शाने का, वो बहुत ही डिफरेंट है। यानी कि एक लव हेट टाइप का रिलेशनशिप, एक कनेक्शन मुझे यहाँ दिख रहा है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि वो आपके बिना बहुत अकेला, बहुत लोनली फील करते हैं या करती हैं। और जब आपके साथ होते हैं तो शायद आपसे ही झगड़ा कर लेते हैं, आपसे ही उनके आर्ग्यूमेंट्स, आपसे ही उनकी नाराज़गी, आपसे ही उनका फाइट होना, ये हो जाता है। तो एक लव हेट टाइप का कनेक्शन मुझे यहाँ लग रहा है। फिर भी एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कपल की वाइब यहाँ पर है कि आप दोनों की इतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनालिटी है कि आप दोनों ही किंग और क्वीन हैं, यानी कि ऑलरेडी एक पेयर है, ऑलरेडी एक कपल है, क्योंकि वाइब ही ऐसी है। तो उनका प्यार जो है ना व्यूवर्स, आपके लिए वो है तो जेन्युइन, लेकिन इस तरह का प्यार है या इस तरह का एक्सप्रेशन है प्यार का कि वो उतना लवी डवी, उतना रोमांटिक दिखता नहीं है। अटैचमेंट है यहाँ पे, एक जेन्युइन अटैचमेंट है, लेकिन वो एक्साइटमेंट में, रोमांस में, या कह सकते हैं कि बहुत लवी डवी क्यूट चीज़ों में बाहर नहीं आता, ऐसी चीज़ों के रूप में बाहर नहीं आता। बट यस, यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये जो इंसान है ये आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो आपको ना छोटा छोटा दाना डालते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो आपको ओशन जितना प्यार करते होंगे, एक समुद्र जितना प्यार करते हैं, तो वो एक एक बूंद उसमें से आपको देते रहते हैं प्यार की। तो ऐसा उनका तरीका है,
कभी प्यार को ओवर शावर नहीं करते आपके ऊपर, अपने प्यार को कभी पूरी तरह से बरसाते नहीं हैं आप पर, पूरी तरह से आप पर अपने प्यार को बहाते नहीं हैं, यू नो, बूंद बूंद आपको देते रहते हैं। आप वहीं पर फिर उसी वजह से एक बूंद पाने के बाद अगले बूंद के लिए तरसते हो, इसीलिए आप यहाँ पर खुश नहीं हो पा रहे हो, इसीलिए आपकी खुशी कहीं खो गई है, एक मायूसी आ गई है। और इसीलिए आपके मन में ये जानने की भी इच्छा हो सकती है कि क्या इनका प्यार सच्चा है भी या नहीं। तो प्यार जेन्युइन है, लेकिन इनका तरीका ऐसा है बूंद बूंद करके वो चीज़ें कर रहे हैं आपके लिए, या करते हैं करती हैं, क्योंकि इस इंसान का जो नेचर है ना, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का दिख रहा है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि जब इमोशनल होते हैं तो दिमाग को थोड़ा कम चलाते हैं, दिमाग उनका हमेशा ही चल रहा है। वो प्यार में हैं, इमोशनल हैं, दुखी हैं, खुश हैं, फिर भी वो अपने दिमाग को होल्ड पर नहीं लगाते, या ऐसा नहीं सोचते कि मुझे दिमाग से नहीं दिल से फैसला करना है, दिल से सोचना है। वो हमेशा दिल दिमाग का बैलेंस बनाकर ही सोचते हैं। तो कितना भी ट्राई करो, ये इंसान बहुत ज़्यादा भावनाओं में बहते नहीं हैं, और इस वजह से इनके रोमांटिक जेस्चर्स दिखते नहीं हैं। ये इंसान ऐसा लगता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्ट हो सकते हैं, ये कभी कभी रूड साउंड कर सकते हैं, कि इनकी कुछ बातें ऐसी लगेगी कि प्यार कर रहे हैं, करते हैं मुझे, कि मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, मुझे रोस्ट कर रहे हैं, यानी मेरा रोस्ट कर रहे हैं, मेरा मजाक बना रहे हैं, या मुझे प्यार करते हैं। तो इनका एक ऑब्सेशन ऐसा है कि आपको चिढ़ाने में, थोड़ा तंग करने में, आपको सताने में, दे इंजॉय दैट। और ये कोई नेगेटिव टाइप का इंजॉयमेंट नहीं है कि अरे आप दुखी हो रहे हैं तो उनको मजा आ रहा है, थोड़ा सा आपको चिढ़ाने में, टीज करने में दे इंजॉय। कभी कभी आप थोड़ा गुस्सा हो जाते हो कि वो आपको अटेंशन नहीं देते हैं, या कहीं ना कहीं वो कोई रोमांटिक जेस्चर नहीं कर सकते, या कुछ कमिटमेंट नहीं देते हैं कुछ भी, तो उनको आपको टीज करने में या आपको सताने में अच्छा लगता है। और ये अच्छा लगना कोई ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई डेविलिश टाइप की कोई खुशी मिलती है, नो, बट दे इंजॉय जो अटेंशन आप उनको देते हो, दे इंजॉय दैट। तो उनको आपसे अटेंशन मिलने की आदत है, दे यूज टू इट। कहीं पर ऐसा लगता है व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन, इस पर्सन का जो इंटेंशन है आप दोनों के लिए या आप दोनों के रिश्ते के लिए, वो ख़राब है, क्योंकि यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। वी जस्ट कैन नॉट इग्नोर दैट। ऐसा लगता है कि इनका इंटेंशन है कि ये आपके साथ कुछ सीरियस क्रिएट करें, एक सीरियस रिलेशनशिप, एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो कुछ सीरियस कहीं ना कहीं आपके साथ चाहते हैं, कुछ बहुत स्ट्रांग, कुछ बहुत सॉलिड, कुछ बहुत कमिटेड, कुछ बहुत लॉन्ग लास्टिंग, ऐसा रिश्ता आपके साथ चाहते हैं। तभी यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि इन फ्यूचर ये ऐसा भी सोचते हैं कि ये आपको ही कमिटमेंट देंगे या देंगी, या आपको ही शादी के लिए प्रपोज करेंगे या करेंगी। सो दे थिंक अबाउट दैट। वो भविष्य के लिए ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि वो भी आपके साथ ही कुछ सीरियस और स्टेबल चाहते हैं इन फ्यूचर। यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि यहाँ पर देखिए साफ साफ मैसेज है, भी जस्ट हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ओके, अफर्मेशन फॉर ग्रोथ। यहाँ पर इनके हाथ में एक गमला है जिसमें एक पौधा है जो कि अभी बहुत छोटा है। इनके हिसाब से आप लोगों का रिश्ता जो है वो अभी बहुत ही प्री मेच्योर स्टेज पर है, बहुत ही फर्स्ट स्टेज पर है, इनिशियल स्टेज पर है, जहाँ से अभी रिश्ते को और ज़्यादा डीप और ज़्यादा स्ट्रांग होने में टाइम लगेगा। दे नो दैट एंड दे थिंक दैट वे। इस तरह से ही सोचते हैं कि आप लोगों का रिश्ता अभी एक इनिशियल स्टेज पर है, शुरुआती स्टेज पर है, और इसको स्ट्रांग होने में, डीप होने में, यू नो, समय लगेगा। और इनका मन है, इनकी इच्छा है कि ये रिश्ता ग्रो करे एक्चुअल में, इसीलिए यहाँ पर मैसेज आया है अफर्मेशन फॉर ग्रोथ। अफर्मेशन करना, प्रेयर करना इक्वल है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर ये इंसान जो है ऐसा लगता है प्रे कर रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं कि आप लोगों का रिश्ता आगे ग्रो करे, जैसा उन्होंने विजन इस रिश्ते का देखा है, इस प्यार का विजन जो है उनकी नज़र में, या उनका जो इस रिश्ते को लेके जो भविष्य की उन्होंने कल्पना करी है, ओके, इस कनेक्शन को लेके उन्होंने फ्यूचर की जो कल्पना की है, कहीं ना कहीं वैसा ही वो प्रे करते हैं,
कि ये रिश्ता ग्रो हो जाए, ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो जाए, ये रिश्ता जो है वो एक लॉन्ग टर्म रिश्ता हो जाए, तो ऐसा है। लेकिन साथ में प्रे कर रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं, लेकिन आपको बूंद बूंद करके प्यार देते रहते हैं और कहीं ना कहीं रूड हो जाते हैं समटाइम्स, आपको रोस्ट कर देते हैं थोड़ा या कर देती हैं, यू नो, जिस वजह से आपको लगता है कि ये तो अगर प्यार करते होते तो थोड़ा सेंसिटिव होते मेरे प्रति, तो आपको वैसा लगता है। लेकिन इनको आपको चिढ़ाने में, आपको टीज करने में, तंग करने में, सताने में बड़ा मज़ा आता है, और आप जो अटेंशन उनको देते हो इरिटेट होके वो अटेंशन भी वो इन्जॉय करते हैं, लेकिन वो आपके साथ ही सीरियस कुछ चाहते हैं। तभी यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। यहाँ पर मुझे फाइव ऑफ सॉर्ड्स लग रहे हैं, यहाँ पर मुझे कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि मुझे एक से ज़्यादा लोग यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ आउटसाइड इंटरफेरेंस है, ये फैमिली का, फ्रेंड्स का, कुछ इनसिक्योर जेलस लोगों का इंटरफेरेंस हो सकता है, क्योंकि ये लोग ट्राई करते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाए, आप लोगों के बीच में एक ब्लॉकेज आ जाए, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कम्युनिकेशन गैप हो जाए और आप लोग एक दूसरे से दूर हो जाए। क्योंकि लुक एट दिस कार्ड, लेट मी शो यू, आप ये कार्ड देखकर ही समझ जाएंगे दैट समथिंग इज नेगेटिव। आपको देखकर ही पता लग जाएगा कि कुछ तो यहाँ नेगेटिव है, कुछ तो यहाँ दाल में काला है। लुक, यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं एंड दे हैव स्वॉर्ड्स इन देयर हैंड, इनके हाथ में स्वॉर्ड्स हैं और यहाँ पर कोई मैजिक पोर्शन बन रहा है, यहाँ पे मैजिक बुक से स्पेल्स देखकर कुछ बना रहे हैं एंड दे प्लानिंग समथिंग नेगेटिव, कुछ नेगेटिव प्लान कर रहे हैं। और ये एक इंसान है जो यहाँ देख भी नहीं पा रहा है कि ये क्या कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसने अपने आँखों पे हाथ रख लिए हैं, अपना फेस छुपा लिया है। तो डेफिनेटली देर आर पीपल, ऐसे लोग हैं जो आप लोगों के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए कुछ हद तक जा सकते हैं, नेगेटिव स्पेल्स करना, ब्लैक मैजिक करना, ऐसा भी कर सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं, इस वजह से भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपका दिया हुआ अटेंशन तो एंजॉय कर लेते हैं लेकिन आपको बूंद बूंद प्यार देकर तरसाते रहते हैं। आप कभी कुछ एक्सपेक्ट करते हो तो आपको थोड़ा रोस्ट कर रहे हैं या चिढ़ा रहे हैं या फिर थोड़ा आपके साथ रूड हो जाते हैं, बट एक्चुअल उनकी वॉन्ट ये नहीं है, एक्चुअल में वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं। तो इस तरह के डायनामिक्स नेगेटिव एनर्जी की वजह से, कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ नेगेटिव स्पेल की वजह से भी क्रिएट होता है इस टाइप का डायनामिक्स या इस टाइप का सिचुएशन, जहाँ इंसान दिल से चाहता है कि वो आपके साथ भविष्य में आपके साथ हो, आपके साथ उनका रिश्ता ग्रो करे, कहीं ना कहीं वो कुछ सीरियस आपको ऑफर करें, प्यार भी उनका जेन्युइन है, लेकिन फिर वो चीज़ें कम कर रहा है, प्यार शो कम कर रहा है, वो कुछ नेगेटिव एनर्जीज का भी असर होता है, तो वो भी हुआ हो सकता है यहाँ पे आपके पर्सन के ऊपर। तो जो हमारा प्रश्न था उससे साफ साफ यहाँ पता लग रहा है, क्लियर हो रहा है कि इनका प्यार है, इमोशनल अटैचमेंट आपसे है, प्यार है आपसे, झूठ नहीं है, दिखावा नहीं है, लेकिन वो प्यार दिख नहीं रहा है इन रीजंस की वजह से, जबकि ये तो प्रे करते हैं कि ये रिश्ता आगे और बढ़े, ग्रो करे। अगर हम जोडियक साइंस की बात करें तो सबसे पहले मैं कहूँगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यस, एंड वी ऑल्सो हैव हियर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये कुछ जोडियक साइंस हैं जो आपके या उनके हो सकते हैं। लेट मी सी मोर इनटू इट। हम ये वाली डेक यूज करते हैं और देखते हैं यहाँ क्या मैसेजेस आएंगे। क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू आर रियली इंपॉर्टेंट, इस इंसान की लाइफ में आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो। ऐसा भी लगता है कि ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते एट एनी कॉस्ट, दे डोंट वॉन्ट टू लूज यू। इनका नेचर थोड़ा ऐसा हो सकता है, थोड़ा बुली टाइप का। इस इंसान को गुस्सा भी बहुत आता होगा और ये इंसान जो है
थोड़ी कड़वी बातें करने वाला है, ये मीठी मीठी बातें नहीं करते हैं, ये कड़वी बातें करते हैं या करती हैं, मतलब दिखने में अच्छे हैं, गुड लुकिंग हैं या अच्छी दिखती हैं, लेकिन मुंह से ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जिससे आपको लगेगा कि इंसान इतना नेगेटिव, इतना कड़वा क्यों बोलता है, ये गलत ही क्यों बोलता है, हमेशा नेगेटिव कैसे परसीव करता है ये इंसान, तो थोड़ा इनके अंदर ऐसा है। पर आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो ऐसी बात नहीं है, आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो। बहुत हद तक इस इंसान में ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये इंसान गुड लुकिंग हो सकता है, ये इंसान पॉपुलर हो सकता है, यू नो पॉपुलर हो सकता है, गुड लुकिंग हो सकते हैं ये, काफ़ी फैशनेबल, स्टाइलिश या फिट बहुत हो सकते हैं, फिजिक अच्छी हो सकती है, मेल फीमेल कोई भी हो, तो गुड लुकिंग होना भी मुझे ऐसा लगता है कि इनका है एक, और गुड लुक्स की वजह से या किसी और ऐसी चीज़ की वजह से उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है ये इंसान अपनी किसी चीज़ को लेकर, अपने लुक्स को लेकर, अपनी किसी पॉपुलैरिटी को लेकर, अपने किसी ड्रेसिंग सेंस, फैशन सेंस, आई डोंट नो, बट देयर इज समथिंग तो जिसको लेकर इनके अंदर ना ओवर कॉन्फिडेंस बहुत आ गया है, जिसमें से मुझे लुक्स एक चीज़ लगती है, दूसरी चीज़ लगती है कि थोड़ी इमेच्योरिटी इस इंसान ने दिखाई है या दिखा रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो इमेच्योर हैं, क्योंकि मैंने कहा ना इनका नेचर जो है वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है या थोड़ा यू नो ब्रूटल है, रूड भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पर ये सोच रहे हैं कि रिश्ता अभी एक इनिशियल स्टेज पर है, तो वो सब यही इंसान सोच रहे हैं, यानी कि इनके अंदर मैच्योरिटी उतनी है, लेकिन क्योंकि मैंने कहा यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी या कुछ ऐसा नेगेटिव स्पेल हो सकता है, जिसकी वजह से जहाँ इनको समझदारी दिखानी चाहिए, जहाँ इन्हें अपनी इंटेलिजेंस दिखानी चाहिए, वहाँ पर फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, नेगेटिव एनर्जी का असर है, नेगेटिव लोगों का असर है, नेगेटिव सराउंडिंग्स का असर है, इनकी सराउंडिंग्स, संगत, आसपास का माहौल इतना अच्छा नहीं है। वेल आई कैन सी कि ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है, ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है या कुछ तो मैनिपुलेट कर रहा है ये इंसान, और कुछ ऐसी बात आपसे छुपा रहा है जो आपको पता होनी चाहिए, यू डिजर्व टू नो। कुछ ऐसी बातें होती हैं कि ये मुझे पता भी क्यों चलनी चाहिए थी, अब मैं जानूँ या ना जानूँ इस बात को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी, आप डिज़र्व करते हो उन बातों को जानना, लेकिन वो बात जो आप डिज़र्व करते हो जानना, कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपसे छुपाई है या झूठ बोल दी है, देयर इज समथिंग, कुछ ऐसा है, कुछ ये छुपा रहे हैं आपसे, कोई मिस्टेक छुपा रहे हैं, बट देयर हाइडिंग समथिंग, आई हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग। है इनका ना ट्रैक चेंज हो गया है, थोड़ा ऐसा लगता है आउट ऑफ ट्रैक चले गए हैं ये इंसान, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, इन्हें सब पता है कि रिश्ते में इन्हें क्या चाहिए, इनकी एक्सपेक्टेशन, इनकी डिजायर, इनकी विश क्या है, दे नो एवरीथिंग, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा, कुछ ऐसी संगत का, लोगों का या नेगेटिव एनर्जी का कह सकते हैं, कुछ ऐसा इंटरफेरेंस इनकी लाइफ में हुआ है कि इस इंसान ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो क्वेश्चनेबल हैं, कि इतना इमेच्योर अचानक से इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों बिहेव करना, अचानक से यहाँ पर झूठ बोलना या कुछ छुपाना, या अचानक से नहीं तो क्यों ऐसा करना, तो कुछ ऐसी क्वेश्चनेबल चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं मुझे। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है आपका और आपके पर्सन का ज़ोडियक साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यस, दे वेरी सस्पिशियस, कुछ छुपा रहा है ये इंसान, ओपन कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, बट दे हैव दिस अटैचमेंट, इंटेंशन भी अच्छा है, अटैचमेंट भी है उनकी आपके साथ, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ चल रहा है ऐसा जो आप नहीं जानते, आपके पीठ पीछे हो रहा है व्यूअर्स, और वो ऐसा नहीं है कि वो किसी और को डेट कर रहे हैं, पर कुछ ऐसा हुआ है उनसे, कुछ ऐसी मिस्टेक हुई है ऐसी उनसे, जो अब वो आपके सामने नहीं आने देना चाहते, दे ट्राई टू हाइड इट, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, जैसे आप इस इंसान से बोलेंगे ना
कि पता चल गया मुझे कि आपने जो किया वो अब मेरे सामने आ गया, आपको क्या लगा पता नहीं चलेगा मुझे, चाहे आपको कुछ पता ना चला हो, आप ऐसी इस तरह की बातें करेंगे ना जैसे कि मुझे पता लगा है कुछ, या मुझे कुछ देखने को मिला है, सुनने को मिला है, या अब मैं जान चुका हूँ, तो इस टाइप का कुछ इनको आप ऐसे बात करके देखेंगे ना, तो आप महसूस कर सकेंगे, नोटिस कर सकेंगे कि इस इंसान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, थोड़ा डर इनके अंदर दिखेगा, थोड़ी सी कॉन्शियसनेस ज़्यादा दिखेगी, यू नो एक घबराहट दिखेगी, एक नर्वसनेस दिखेगी, क्यों, क्योंकि इनके मन में चलने लगेगा अरे आप क्या जान गए, क्या पता लग गया आपको, तो उस टाइप का एक डर, एक नर्वसनेस मुझे यहाँ दिख रही है। तो यस, इनका प्यार सही है, लेकिन मैंने कहा ना किसी गलत रास्ते पे आउट ऑफ ट्रैक ये चले गए हैं, अब उसको डेंटिंग पेंटिंग करके छुपाते रहते हैं। दिस वॉज द रीडिंग व्यूअर्स, आई होप रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है कि इनका प्यार सच्चा है या सिर्फ दिखावा। देखिए दिखावा तो नहीं, ये साफ साफ दिख गया। और अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कितने परसेंट हेल्प करती है, रेजोनेट करती है रीडिंग, और अपना ग्रैटिट्यूड शो करें कमेंट्स में ज़रूर। आप जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, थोड़ी बहुत भी जिनको हेल्प कर रही है, गाइड कर रही है, आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए व्यूअर्स, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कीजिए कमेंट्स में, ओके। और जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं कमेंट्स पढ़ती भी हूँ, कभी कभी मैं बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ, और कभी कभी मैं लोगों के एक्सपीरियंसेस भी पढ़ती हूँ जब लोग लिखते हैं। तो सो आप भी सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फैमिली, टेक केयर।